कहते हैं इमरान खान की क़यादत में हमने फरसूदा निज़ाम को ललकारा, तहरीक इंसाफ ने मुल्क की दो बड़ी सियासी जमातों का गठजोड़ खत्म किया। तफसीलात मेहविश कमास की रिपोर्ट में। वज़ीर इत्तला फवाद चौधरी ने KPK PTI यूथ विंग की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के नौजवान सियासी विजन रखते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों ने तहरीक इंसाफ में इनकलाब की बुनियाद रखी। मुल्क की सियासत जमायत इमरान खान के नाम से खौफजदा है। हर जगह के ऊपर तहरीक इंसाफ एक सबसे बड़ी वाइब्रेंट कुव्वत के तौर के ऊपर उभरी है, लेकिन जो पीछे मुड़ के अगर हम देखें तो उसका चेहरा आप खैबर पख्तूनख्वा के नौजवानों के सर जाता है और ये आपका पाकिस्तान के लिए एक इनकलाब है जिसकी आपने बुनियाद रखी। वज़ीर इत्तला ने कहा कि इमरान खान की लड़ाई शख्सियात के खिलाफ नहीं मुल्क की दौलत लूटने वालों से है। पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवान नस्ल के साथ जुड़ा हुआ है। आपने अरबहा रुपया पाकिस्तान से इस सिस्टम से चोरी किया, आप बाहर ले गए। अब जब आपको कहते हैं कि आप वो पैसे वापस करें, आप कहते हैं हमारी विक्टिमाइजेशन हो रही है। फवाद चौधरी का कहना था कि नौजवान नस्ल ने अपने मुस्तकबिल को सामने रखते हुए हमें वोट दिया। तहरीक इंसाफ ने इलाकाई के बजाय कौमी सियासत को फरोग दिया। गुज़िश्ता हुकूमतों की गलत पॉलिसियों से इदारे तबाह हुए। PIA तबाह कर दिया, स्टील मिल तबाह कर दिया, PTB तबाह कर दिया, APP तबाह कर दी, तमाम इदारे, आप इदारों के नाम लें और आप देखिए उनका क्या हशर कर दिया। वज़ीर इत्तला ने मजीद कहा कि हुकूमत ऐसा माहौल पैदा करेगी कि मुलाजमतों के मौके बढ़े, आवाम के लिए हाउसिंग मंसूबे बनाए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कारकुन हमारे दस्तोबाजू और ताकत है। मेहविश कमास, G News, इस्लामाबाद।